हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन सरकास्टेड वेव्स एंड इन दिस लेक्चर। आज का ये लेक्चर होगा रसायन विज्ञान पे, यानी केमिस्ट्री पे। और इसका एक एक टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण, नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। उस पर आज का ये लेक्चर होगा और ये लेक्चर आपको उपयोगी होगा SSC CGL CHSL और साथ ही साथ व्यापम और रेलवेज के उन एग्ज़ाम्स में जहाँ पे जनरल साइंस के अंतर्गत रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। और साल दर साल जो कंपटीशन है वो बढ़ते आ रहा है, और इस कारण जो जनरल साइंस के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो पोर्शन है उसमें रसायन विज्ञान से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और चूंकि इसमें जो भाग ले रहे स्टूडेंट्स, जैसे SSC CGL की मैं बात करूँ, तो इसमें 99% स्टूडेंट साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उनको जो रसायन विज्ञान है या फिजिक्स है वो समझने में काफ़ी कठिनाई जाती है, और इनके कंसेप्ट आसानी से नहीं समझ पाते हैं। तो इन स्टूडेंट्स की हमारे पास चैनल पे रिक्वेस्ट आई थी कि ये जो रसायन विज्ञान है उसको एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें, तो उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो इसके बाद आपका जो केमिस्ट्री की जो नॉलेज का लेवल होगा वो बहुत हाई होगा, और जब आप एग्ज़ाम्स में अपीयर करेंगे तो आप अपने एग्ज़ाम्स में केमिस्ट्री वाले पोर्शन में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इस वीडियो की एक ख़ास बात और है कि ये सिर्फ हिंदी भाषा में होगा, यानी प्योर हिंदी। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के स्टूडेंट हो तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप इस वीडियो को ना देखें। आज का टॉपिक है नाभिकीय अभिक्रिया मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। ये दो प्रकार की होती है, ये दो तरह की होती है, एक होती है विखंडन और एक होती है संलयन। विखंडन नाम से ही स्पष्ट है, विखंडन मतलब कोई बड़ी चीज़ है वो टूटेगी छोटी छोटी चीज़ों में, ठीक है, वो टूटेगी छोटी छोटी चीज़ों में। और क्या यहाँ से क्या उत्पन्न होगी, एनर्जी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और हम बात करें संलयन की, तो संलयन में क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें रहेगी और वो मिलके क्या बनाएगी, एक बड़ी चीज़, और साथ ही साथ इसमें क्या रिलीज होगी, एनर्जी। और ये जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और इसे हम जूल या किलो जूल में माप सकते हैं। और विखंडन और संलयन में जो हम न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग करते हैं वो है विखंडन, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा बनती है वो बनती है संलयन में। अब सवाल ये है कि जब संलयन में ज़्यादा ऊर्जा बनती है तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें संलयन का प्रयोग क्यों नहीं करते, विखंडन का ही क्यों करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जो संलयन होता है, संलयन में बहुत ज़्यादा मात्रा में तापमान की आवश्यकता होती है, जैसे 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, इतना तापमान इसमें चाहिए होता है जो कि पृथ्वी पर लाना बहुत मुश्किल है, तो ये व्यावहारिक रूप से ये संभव नहीं है, इसलिए हम विखंडन का प्रयोग करते हैं। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। इस चित्र को समझने से पहले मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे कोई तत्व है, तत्व मान लीजिए क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी है, उसको हम डोनेट करते हैं एक्स में, मतलब उसको प्रदर्शित करते हैं एक्स में। एक्स मतलब एक्स से तात्पर्य यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी है, मतलब जो जो उसका प्रतीक चिन्ह होता है उससे। और इसके बेस में लिखा होता है क्या, इसका परमाणु क्रमांक, क्या लिखा होता है, परमाणु क्रमांक, और इसके ऊपर में लिखा होता है परमाणु द्रव्यमान, उस तत्व का जो भी परमाणु द्रव्यमान रहता है वो लिखा होता है। तो ये किसी तत्व को प्रदर्शित करने का तरीका होता है। जैसे इस लेक्चर के यदि मैं बात करूं तो इसमें हम यूज़ करेंगे ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ड्यूटीरियम क्या है, ये हाइड्रोजन के दो अवतार है, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। जैसे इसको कैसे लिखेंगे, H12, ये हो गया ड्यूटीरियम, और ट्रिटियम कैसे लिखेंगे, H13, ठीक है। इस तरीके से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। तो इसे बताने का उद्देश्य यही था कि हम ये जो टर्मिनोलॉजी आगे यूज़ करेंगे वो आपको पहले समझा दी जाए। वापस चित्र पे आते हैं।
ये जो चित्र में जो जो पहला वाला है वो है विखंडन पर, विखंडन पर। और ये जो फ्यूल है वो है यूरेनियम, और इसको हम प्रयोग करते हैं, और अन्य फ्यूल भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो यूरेनियम है इसमें हम जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं। इससे होता क्या कि जो यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है, जो इसका नाभिक है, वो टूट के दो अलग पदार्थ बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? क्रिप्टॉन और बेरियम। क्या बनाता है? क्रिप्टॉन और बेरियम। और साथ साथ क्या रिलीज होती है? एनर्जी। क्या बनती है? एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा होती है, और इसका प्रयोग हम अपने काम में कर सकते हैं, जैसे बिजली बनाने के प्रयोग में इसका उपयोग होता है। ठीक है, और साथ साथ जो बनता है वो है न्यूट्रॉन। तीन न्यूट्रॉन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो न्यूट्रॉन है इसकी फिर से बमबारी होगी इन दोनों पदार्थों पे। ठीक है, इन दोनों पे फिर से ये इनकी बमबारी करेंगे, तो फिर ये जो रिएक्शन है, जैसे क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन फिर दो दो पदार्थों में टूटेगा, और फिर वहाँ से बनेंगे क्या, तीन न्यूट्रॉन। और बेरियम भी फिर दो पदार्थों में टूटेगा, वहाँ से फिर तीन न्यूट्रॉन बनेंगे। और इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है वो चलती रहेगी और ये रुकती नहीं है, और इसे कहते हैं हम चेन रिएक्शन। क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं संलयन की। संलयन में हाइड्रोजन के दो अवतार, ड्यूटेरियम H12 और ट्रिटियम H13। ठीक है, H13, इन दोनों की यहाँ पे क्रिया होती है। ये दोनों यहाँ पे फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़न की जो प्रक्रिया वो यहाँ पे होती है। ये दोनों फ्यूज़ होते हैं तो क्या बनता है? सबसे पहले हीलियम, हीलियम बनता है, और क्या बनता है साथ में? न्यूट्रॉन। क्या बनता है? न्यूट्रॉन। और जो मेन चीज़ है एनर्जी, वो यहाँ पे रिलीज होती है, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है, हम पृथ्वी पर इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो हम जो विखंडन है वो उसकी सहायता लेते हैं एनर्जी बनाने में। ठीक है, तो ये थे आज के टॉपिक। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आए होंगे, और बहुत ही आसान भाषा में इसे समझाने की कोशिश की गई है। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप है वहाँ पर शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, ताकि उनके जो केमिस्ट्री के कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके और सभी एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि चैनल पर अपलोड हो रही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप और लिंक्डइन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और वेबसाइट से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक की सहायता से आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं। और यदि आपने हमारा पहले पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। इसकी लिंक ये जो ऊपर आई बटन है वहाँ पे दे दी जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।